अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ चैनल के उर्दू खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का सफाया, वाईसीपी का बोलबाला, जगन मोहन की शानदार कामयाबी। तेलंगाना में टीआरएस के साथ साथ बीजेपी ने भी जमाए अपने कदम। निजामाबाद में कविता को शिकस्त का सामना, बीजेपी उम्मीदवार ने हासिल की कामयाबी। मुल्क में एनडीए की दोबारा कामयाबी, नरेंद्र मोदी ने कल तलब किया काबीना का इजलास। राहुल गांधी अमेठी से नाकाम, केरला की सीट पर फतह हासिल। अब खबरें तफसील से। रियासत आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी को शानदार कामयाबी हासिल हो चुकी है। तेलुगु देशम को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तेलंगाना में टीआरएस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपने कदम दोबारा जमा लिए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता अपने हलके पार्लियामेंट निजामाबाद में कामयाबी हासिल न कर सकी। याद रहे कि निजामाबाद के हल्दी और लाल जवार के किसान रुकन पार्लियामान कविता से सख्त नाराज थे और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। मशरिकी दिल्ली, जहां से क्रिकेटर्स से सियासत में आए गौतम गंभीर बीजेपी के टिकट पर इंतखाबी मैदान में थे। गंभीर कांग्रेस के अरविंद सिंगलोली से 27,588 वोटों की बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। जनूबी दिल्ली में मौजूदा एमपी रमेश वधोड़ी ने ऐप के रघु चड्ढा पर 37,008 वोटों की सबकत से फतह हासिल कर ली है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे बैनुल अक्वामी बॉक्सर विजेंदर सिंह तीसरे मुकाम पर रह गए। नई दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने साबिक मजदूर अजय माकन पर 22,650 वोटों की सबकत बना ली है। दिल्ली की वाहिद रिजर्व्ड सीट से पंजाबी सूफी गुलकार बीजेपी उम्मीदवार हंस राज हंस ने ऐप के उम्मीदवार गगन सिंह पर 62,211 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल कर ली है। आम इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी के रुझानात के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मरकजी काबीना की एक मीटिंग तलब कर ली है। वाजह रहे कि मौजूदा लोकसभा की मियाद 3 जून को खत्म होने वाली है। इम्कान है कि नई हुकूमत के क्याम के लिए वजीर आजम हिंद मोदी ने
अपना इस्तीफा सदर जम्हूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को कामयाबी की मुबारकबाद पेश की है। आम इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी के रुझानात के दरमियान केसीआर ने उन्हें मुबारकबादी का पैगाम भेजा और उम्मीद जाहिर की कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क मजीद तरक्की करेगा। रियासत तेलंगाना करीम नगर हलके पार्लियामेंट से बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय कुमार ने कामयाबी हासिल कर ली है। इब्तदाई इत्तला'आत के मुताबिक उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने अपने करीबी हरीफ टीआरएस के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार को ज़ायद अज 90,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। बंडी संजय करीम नगर म्यूनसिपल कारपोरेशन के मौजूदा कारपोरेटर हैं। संजय को 4,97,000 वोट हासिल हुए जबकि टीआरएस को 4,08,000 वोट मिले। हलके असेंबली सिकंदराबाद से किशन रेड्डी ने कामयाबी हासिल कर ली है। टीआरएस और कांग्रेस के झगड़े में बीजेपी ने फायदा हासिल कर लिया। रियासत कर्नाटक बेंगलुर सेंट्रल से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले फिल्म अदाकार प्रकाश राज को शिकस्त हो गई। उनके मुकाबल बीजेपी उम्मीदवार पीसी मोहन ने कामयाबी हासिल कर ली है। एपी असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी 30 मई को चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा लेंगे। काउंटिंग सेंटर पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस मुखन्ना पार्टी का इजलास 25 मई को मुनक़िद किया जाएगा ताकि जगन को उसका लीडर मुंतखब किया जा सके। मिस्टर रेड्डी चंद्रबाबू के बाद मौजूदा एपी के दूसरे चीफ मिनिस्टर होंगे। मुत्तहिदा रियासत एपी की तकसीम 2014 में अमल में लाई गई थी। एपी असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी 30 मई को चीफ मिनिस्टर का हलफ उठा लेंगे। काउंटिंग सेंटर पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस मुखन्ना पार्टी का इजलास 25 मई को मुनक़िद किया जाएगा ताकि जगन को उसका लीडर मुंतखब किया जा सके। मिस्टर रेड्डी चंद्रबाबू के बाद मौजूदा एपी के दूसरे चीफ मिनिस्टर होंगे। मुत्तहिदा रियासत एपी की तकसीम 2014 में अमल में लाई गई थी। कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से टीआरएस उम्मीदवार इमराज शेखर रेड्डी को ज़ायद अज 6,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी।
حلقہ پارلیمان حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مسلسل پانچویں مرتبہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 2 لاکھ سے زائد ووٹوں سے کامیابی کو اپنے نام درج کرتے ہوئے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تلنگانہ کی لوک سبھا نشستوں کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، جن میں میدک سے ٹی آر ایس امیدوار کے پربھاکر اور بھونگیر لوک سبھا سے کانگریسی امیدوار کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی شامل ہیں۔ کومٹ ریڈی نے ٹی آر ایس کے موجودہ رکن پارلیمنٹ بی نرسیا گوڑ کو 4000 ووٹوں کی اکثریت سے شکست دے دی۔ తెలంగాణలో చరిత్ర కలిసిన భువనగిరి మీద గెలిపించినందుకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ తప్పకుండా మీ ఆశల్ని మమ్ము చెయ్యం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాను, ఎంపీగా ఒక సేవకునిగా పనిచేస్తానని మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన చట్టంలో పెట్టిన అన్ని అంశాలను కూడా పార్లమెంట్లో గలమెత్తుతూ ఎయిమ్స్ నుంచి మొదలుపెట్టుకొని అన్ని విషయాల్లో కూడా పోరాటం చేస్తానని راہل گاندھی کیرلا کی وائناڈ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن امیٹھی کی سیٹ پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ بی جے پی کے امیدوار اسمرتی ایرانی نے برتری حاصل کر لی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے حلقہ پارلیمنٹ اناؤ سے مقابلہ کرنے والے بی جے پی امیدوار ساکشی مہاراج نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو شکست سے دوچار کیا۔ واضح رہے کہ ساکشی مہاراج متنازع بیانات کو لے کر اکثر میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ دہلی کی 7 سیٹوں پر بی جے پی کو برتری حاصل ہو چکی ہے۔ شیلا دکشت اور وجیندر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دہلی میں بی جے پی کے امیدواروں نے 7 پارلیمانی حلقوں میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے تک بی جے پی کے امیدواروں نے 7 پارلیمانی حلقوں میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی آپ کو شکست دے دی ہے۔ چاندنی چوک سے مرکزی وزیر ہریش وردھن نے کانگریس کے جے پرکاش اگروال پر 16,883 ووٹوں سے برتری بنائے ہوئے تھے۔ شمال مشرقی دلی میں بی جے پی کے ریاستی صدر منوج تیواری دلی کے کانگریس صدر اور سابق وزیر اعلیٰ شیلا دکشت سے 71,593 ووٹوں سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ ون ٹی وی نیوز چینل پر پیش کیے جا رہے اردو خبرنامے کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔